हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? माय नेम इज़ दीपक एंड यू आर वाचिंग माय चैनल साई एकेडमी फॉर सक्सेस। एज यू नो स्टूडेंट्स, वी आर मेकिंग सम वीडियोस फॉर इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। हम कुछ इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस की वीडियो बना रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि 5 स्टेप जिससे आप अपनी इंग्लिश को अच्छा कर सकते हैं। वी हैव डिस्कस्ड 5 स्टेप्स इन विच वी हैव डिस्कस्ड हाउ कैन वी इम्प्रूव अवर इंग्लिश एंड कैन बी अ गुड स्पीकर। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस 3 important things बाय विच वी कैन गेट ईच एंड एवरीथिंग वट एवर वी वॉन्ट। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उन 3 merits के बारे में, 3 मुख्य विशेषताओं के बारे में। अगर किसी व्यक्ति के अंदर वो 3 विशेषताएँ होती हैं तो उसे किसी भी काम करने से कोई व्यक्ति नहीं रोक सकता। एज वेल एज स्टूडेंट्स, वी हैव ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट वोकेबलरी। सो टूडे वी विल स्टार्ट विद सम इम्पॉर्टेंट वर्ड्स विच वी आर यूज इन आवर डे टू डे लाइफ। आज बच्चों हम 15 कुछ ऐसे वर्ड्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो हम अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, बट कहीं ना कहीं हिंदी में तो उनको हम ईजिली यूज़ करते हैं बट इंग्लिश में हमें शायद वो वर्ड नहीं आते हैं। तो आज आप इन 15 वर्ड्स को अपने वोकेबलरी की डिक्शनरी में ऐड कर सकते हैं। इफ़ यू नो दीज वर्ड्स देर इज़ नो नीड टू राइट, बट इफ़ यू डोंट नो अबाउट दीज वर्ड्स यू हैव टू मेक नोट्स एंड राइट दीज वर्ड्स इन योर कॉपी। अगर ये वर्ड्स आप नहीं आते हैं आपको, तो आपको आवश्यकता नहीं है इन वर्ड्स को लिखने की, बट अगर आपको ये वर्ड नहीं आते हैं तो आप इनको लिखकर अपने डे टू डे लाइफ में इनको यूज़ कर सकते हैं। मैं बहुत आसान से शब्दों से शुरुआत करूँगा। आज हम कुछ वेजिटेबल नेम डिस्कस करेंगे, जिनमें 15 या 20 जितने भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे कि हाउ मैनी वेजिटेबल्स नेम यू नो। सबसे पहले बच्चों मैं आपको छोटी सी बात बता देता हूँ। वेजिटेबल्स आपने शब्द सुना है, सब्जियों के नाम सुने हैं, बट यू डिड नॉट हियर वेजिटेबल। सिंगल वेजिटेबल नाम का कोई शब्द नहीं होता। वेजिटेबल इज़ अ रॉन्ग वर्ड वाइल वेजिटेबल्स इज द राइट वर्ड। वेजिटेबल एक गलत शब्द है जबकि वेजिटेबल्स एक बिल्कुल सही शब्द है। तो पहले सही शब्दों का इस्तेमाल करना सीखना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। आइए शुरू करते हैं। पटैटो, टमाटो, ये सभी ऐसे वर्ड्स हैं जो हमने अपनी डे टू डे लाइफ में सुने हैं और बहुत सारे लोग इन वर्ड्स के बारे में जानते हैं, बट आज हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे सब्जियों के नाम, कुछ ऐसे वेजिटेबल्स के नाम जो शायद आपको नहीं आते होंगे। अगर आपको ये वेजिटेबल्स नेम आते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं कि आपको मेरे द्वारा बताए गए शब्दों में से कितने शब्द आते हैं। तो बच्चों आइए शुरू करते हैं अपना वोकैबुलरी सेक्शन क्लास 1। टमाटो, टमाटर, पोटैटो, आलू। अब चलते हैं पंपकिन। पंपकिन, थोड़ा प्रोनंसिएशन पे ध्यान देंगे बच्चे। पंपकिन कद्दू या सीताफल हम लोग उसको साधारण भाषा में कहते हैं। आपको साइड में मैं इमेज की सहायता से दिखाना चाहता हूँ, तो आप इमेज पर भी ध्यान दीजिए। ये वर्ड सुनने के साथ साथ इनकी प्रोनंसिएशन क्या होगी और इनको हम हिंदी में क्या बोलते हैं ये भी आपको सुनाई देगा और साथ में इसकी इमेज भी आपको दिखाई देगी। सेकंड वर्ड इज गॉड। लिसन मी केयरफुली, गॉड, GOURD, इसका मतलब होता है बच्चों लौकी। नेक्स्ट वर्ड अभी आपने बड़ा कॉमन सा है, आपने सुना है ब्रिंजल। ब्रिंजल मीन्स बैंगन, BRINJAL, ब्रिंजल। रेडिश भी सुना है आपने, मूली। आते हैं बंद गोभी और फूल गोभी, कैबेज एंड कॉलीफ्लावर। कैबेज बंद गोभी के लिए यूज़ करते हैं, कॉलीफ्लावर फूल गोभी के लिए यूज़ करते हैं। बच्चों आपने अरबी खाई होगी, तो मुझे बताएं कि अरबी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। आरूम, लिसन मी केयरफुली, आरूम, ARUM। तो अरबी को इंग्लिश में बोलते हैं आरूम।
अनियन आपने सुना होगा, तो वो आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट बढ़ते हैं बच्चों, गार्लिक, लहसुन, जिंजर, अदरक, याम, कचालू, लेडीज फिंगर, स्पेलिंग ध्यान से देखना बच्चों, लेडीज फिंगर LADY apostrophe में S फिंगर, लेडीज फिंगर, भिंडी, लेमन आपने सुना है, टर्निप भी आपने सुना होगा, शलगम, कुकुम्बर, खीरा और ककड़ी, दोनों ही वर्ड हिंदी वर्ड के लिए हम कुकुम्बर शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे इसको स्पिनच बोलते हैं, SPINACH। लेट मी टेल यू द रियल प्रोनंसिएशन ऑफ दिस वर्ड, इट्स स्पाइनक, इट इज नॉट स्पिनच, इट इज स्पाइनक, पालक। मेरे से दोहरा सकते हैं, स्पाइनक, पालक। करोंदा, गूजबेरी, गूजबेरी, करोंदा। मिंट, पुदीना। धनिया को बोलते हैं कोरिएंडर, CORIANDER, कोरिएंडर। एंड लास्ट वर्ड चिली, जिसको बोलते हैं मिर्च। तो ये तो बच्चे बहुत सारे वर्ड ऐसे थे जो आपने अपने डे टू डे लाइफ में सुने होंगे। अब मैं आपसे कुछ ऐसे वर्ड डिस्कस करना चाहता हूँ, ऐसे वेजिटेबल नेम डिस्कस करना चाहता हूँ जो शायद आपने अपने डे टू डे लाइफ में इतनी आसानी से नहीं सुने होंगे। और अगर आपको ये वर्ड आते हैं तो मानिए कि आपकी इंग्लिश काफ़ी अच्छी है, आपके पास वोकेबलरी के काफ़ी शब्द हैं। एक वर्ड है बच्चों, कटहल, जैक फ्रूट, JACKFRUIT, जैक फ्रूट। एक वर्ड है शिमला मिर्च, ये तो सुना होगा आपने, कैप्सिकम। वर्ड है चुकंदर, जिसको बोलते हैं बीट रूट, BETROOT, बीट रूट। एक वर्ड है बिटर गार्ड, ये करेले के लिए इस्तेमाल होता है बच्चों, बिटर गार्ड, BITTER GOURD, बिटर गार्ड, करेला। तो ये तो बच्चों हुई बात हमारी वोकेबलरी वर्ड्स की विच वी हैव डिस्कस्ड, बट नाउ वी आर डिस्कसिंग दोज थ्री मेरिट्स। अब हम वो तीन मेरिट्स जो हैं, तो स्टूडेंट्स लेट सी व्हाट आर दीज क्वालिटीज, व्हाट वी हैव टू बी इन अवर सेल्फ टू गेट सक्सेस। मैं यहाँ पर बच्चों आपको तीन वर्ड बताऊंगा, आई विल टेल यू थ्री वर्ड्स एट हियर बाय विच वी कैन गेट वट एवर वी वॉन्ट। पहला वर्ड है बच्चों विल पावर, इच्छा शक्ति। इफ यू वॉन्ट टू स्पीक इन इंग्लिश, इफ यू वॉन्ट टू गेट सक्सेस इन योर लाइफ, इफ यू वॉन्ट टू गेट गुड लाइफ, इफ यू वॉन्ट टू गेट अ रेप्यूटेड जॉब, नोबडी कैन स्टॉप यू। अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं ना, तो पहले आपको इच्छा शक्ति डेवलप करनी पड़ेगी। इच्छा शक्ति, विल पावर इज द वर्ड, इज नॉट द वर्ड, इट इज फॉर लाइफ टाइम। एक वर्ड नहीं है, पूरी ज़िंदगी हमें इसको साथ में लेकर चलना है। अगर आप अच्छी अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, अगर आप ज़िंदगी में कुछ भी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपका विल पावर होना चाहिए उस चीज़ के लिए। दूसरा बच्चों डेडिकेशन, डेडिकेशन का मतलब होता है अगर जिस चीज़ को हम प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए हमें कुछ भी छोड़ना पड़े तो हम छोड़ सकते हैं। मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, हेजिटेशन इज़ द मेन बैरियर इन अवर स्पीकिंग। इफ वी आर हेजिटेटिंग इन फ्रंट ऑफ एनी पर्सन, वी आर नॉट एबल टू स्पीक। अगर हम किसी व्यक्ति के सामने हेजिटेट होते हैं तो हम इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड थिंक दैट द पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू इज अ फूल एंड ही इज नॉट अंडरस्टैंडिंग यू योर ग्रामर, ही वॉन्ट टू अंडरस्टैंड योर वर्ड्स एंड वोकैबलरी।
जो आप बताना चाहते हैं वो खाली आपको केवल उसी चीज के रूप में देख रहा है, वो आपकी ग्रामर को जज नहीं कर रहा है। दूसरी बात बच्चों, सम पीपल ऑलवेज पुल अवर लैग, हमेशा कुछ लोग हमें पीछे की ओर खींचने की कोशिश करेंगे जब हम इंग्लिश बोलना शुरू करेंगे। दे कैन मेक फन ऑफ अस, वो हमारा मजाक उड़ा सकते हैं, वो हमें कह सकते हैं कि आप कैसे बोल रहे हैं, यू आर नॉट स्पीकिंग राइट। तो उनको जवाब देने का एक ही तरीका है, यू शुड नॉट स्टॉप, आपको रुकना नहीं है। हो सकता है हमसे बोलने में बहुत सारी गलतियाँ हो रही हों, बट दैट इज़ अनदर पार्ट, क्योंकि नाकामयाब लोगों का हमेशा काम होता है गलतियाँ निकालना, और कामयाब लोगों का हमेशा काम होता है गलतियाँ करना। अगर आप गलतियाँ कर रहे हैं, इट मीन्स यू आर लर्निंग समथिंग। इफ़ यू आर मेकिंग मिस्टेक्स, यू आर लर्निंग समथिंग। बिकॉज बच्चों, फेल शब्द का अर्थ ही होता है फर्स्ट अटैम्प्ट इन लाइफ। तो डोंट बी हेजिटेट इन फ्रंट ऑफ द पीपल हु आर पुलिंग योर लेग, क्योंकि वो यही चाहते हैं कि वो ऐसा ना करें। कई बार जीवन के अंदर आपको ऐसा दिखाने की कोशिश की जाती है कि आपको कुछ नहीं आता है, या जो आप इंग्लिश बोल रहे हो बहुत ख़राब बोल रहे हैं। हम क्या करते हैं, उनकी बातों में आकर, ऐसे लोगों की बातों में आकर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सही बोल रहे हैं, आप ऐसे सोचें कि आप सही बोल रहे हैं, डेफिनेटली वी आर हैविंग सम प्रॉब्लम्स, हमारे अंदर कुछ कमियाँ होंगी, बट उन कमियों को दूर करना हमारा पहला काम है ऐसे लोगों को जवाब ना देना, समय पर छोड़ देना, और अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लेकर आना। अगर हम अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लेकर आएंगे बच्चों, तो आने वाले समय में हमें अच्छी इंग्लिश बोलने से कोई नहीं रोक सकता। एंड थर्ड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो मेरी फेवरेट है, वो है डिटरमिनेशन, दृढ़ निश्चय। ये तीन वर्ड अगर आपने अपनी डिक्शनरी में ऐड कर लिए, विल पावर, डिटरमिनेशन एंड डेडिकेशन, दृढ़ निश्चय अगर बच्चों आपका है, तो आपकी कोई भी कितने भी लैग पुल कर ले, चाहे आपका मजाक उड़ा ले, कुछ भी करे, लेकिन कभी भी आप अपने लक्ष्य से भटक नहीं पाएंगे। दो तरह के लोग होते हैं हमेशा जीवन के अंदर, दोज हु हैव ऑलवेज नेगेटिविटी इन देयर लाइफ एंड दे स्प्रेड नेगेटिविटी इन लाइफ ऑफ अदर पीपल ऑल्सो। अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके जीवन में हमेशा नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश करते हैं, हमेशा आपको परेशान करने की कोशिश करते हैं, मगर हम हैं कि वो हम हार मानने वाले नहीं हैं। कुछ भी हो जाए, हम अपने लक्ष्य को प्राप्त जरूर करेंगे, और उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़ जाए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली दिस वीडियो, ओनली इंग्लिश स्पीकिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट योर एंटायर लाइफ। अपनी एंटायर लाइफ में अगर आपको कामयाब होना है, तो आपको ऐसे लोगों को जवाब नहीं देना है, समय पर छोड़ना है, समय उन लोगों को जवाब जरूर देगा। बच्चों, आज की वीडियो में मैं इतना ही कहना चाहूँगा। हमने कुछ वोकेबलरी के वर्ड देखे, हमने कुछ ऐसे वर्ड सीखे जो शायद हमें नहीं आते, हमने कुछ ऐसे वर्ड रिवाइज भी किए होंगे जो शायद ऑलरेडी हमें आते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मैं। आई एम वेरी ग्लैड एज वेल एज थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू दैट यू आर वॉचिंग माई वीडियो कम्प्लीट, कि आप मेरी वीडियो को कम्प्लीट देख पा रहे हैं। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो, अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नॉलेज मिली हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।